ये देखिए, इसका एक एक दाना मोतियों की जैसा दिखाई दे रहा है और एकदम सॉफ्ट भी दिखाई दे रहा है। क्या आप भी इसी तरह की साबूदाना खिचड़ी बनाना चाहते हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे हरियाली साबूदाना खिचड़ी। इस रेसिपी में मैंने वो सभी टिप्स शेयर किए हैं जो आप मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं। आपकी साबूदाना खिचड़ी चिपकी चिपकी बनती है या फिर साबूदाना बहुत अच्छे से भीगता नहीं है, भिगाते समय प्रॉब्लम हो जाती है, गीला हो जाता है, इन सभी के आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इन सभी टिप्स को फॉलो करते हुए अगर आपने एक बार ये रेसिपी बना ली तब आपकी साबूदाना खिचड़ी कभी भी खराब नहीं बनेगी, ये मेरी गारंटी है। ये है हरियाली साबूदाना खिचड़ी के इंग्रेडिएंट। चलिए देखते हैं साबूदाना खिचड़ी कैसे बनाते हैं। एक कप मीडियम साइज वाला साबूदाना लीजिए, इसे साफ कर लीजिए और अब दो से तीन पानी से धो लेना है। इसमें का एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाना चाहिए। एक्स्ट्रा स्टार्च निकलने से साबूदाना चिपका चिपका नहीं बनता है। धोने के बाद इसमें आधा कप पानी डाल दीजिए और ढक कर लगभग 4 से 5 घंटे के लिए या फिर रात भर के लिए रख दीजिए। जब आप बर्तन को ओपन करके देखेंगे तब आपको दिखाई देगा एक एक दाना मोतियों की तरह और बहुत अच्छे से भीगा हुआ, एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल इस तरह से। अगर साबूदाना अच्छा भीगेगा तभी ये अच्छा बनेगा। अब आधा कप भुनी हुई मूंगफली को छील लीजिए, ग्राइंडर में डाल के दरदरा ग्राइंड कर लीजिए। अगर आप बिना ग्राइंडर के भी इसे दरदरा कूटकर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उसका टेस्ट तो और भी अच्छा आता है। खलबत्ते में इसे कूट लीजिए। सेम छोटे वाले ग्राइंडर में 5 से 6 या फिर स्वाद अनुसार हरी मिर्ची लीजिए, साथ ही इसमें एक मुट्ठी हरा धनिया धोकर डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी डाल के महीन ग्राइंड कर लीजिए। मेरे पास जो हरी मिर्च है बहुत तीखी नहीं है इसलिए मैंने ज़्यादा यूज़ की है। अगर आपकी तीखी हरी मिर्च है या फिर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च कम डालिए। इसी तरह की स्मार्ट रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट कीजिए। अब एक कढ़ाई में 3 से 4 बड़े चम्मच घी या फिर मूंगफली का तेल गरम कीजिए। तेल जैसे ही गरम हो जाए इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच जीरा और 3 मीडियम साइज के कच्चे आलू, जिन्हें छील लेना है, धो लेना है और एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। इस तरह के आलू डाल दीजिए, चला लीजिए, साथ ही थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। इस समय ज़्यादा नमक नहीं डालना है, आलू कुक हो जाए उतना ही नमक डालना है। मैंने यहाँ पे सेंधा नमक यूज़ किया है, आप चाहे तो नॉर्मल नमक भी यूज़ कर सकते हैं। ढक दीजिए, बीच बीच में ओपन करके चलाते रहिए। 3 से 4 मिनट में मीडियम फ्लेम पे ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे और कुक भी हो जाएंगे। अगर आपको आलू नहीं पसंद है तो आप आलू ना डालें, या फिर उबले हुए आलू पसंद करते हैं तो उबाल कर छील लीजिए और मैश करके इसमें डाल सकते हैं। पर मुझे साबूदाना खिचड़ी में इस तरह के क्रिस्पी आलू बहुत ही टेस्टी लगते हैं, इसलिए मैंने इस तरह से डाला है। जब आलू कुक हो जाए तब इसमें डाल दीजिए हरी मिर्च और धनिया वाली चटनी। चटनी डालते ही फ्लेम को लो कर देना है और चलाते हुए इसे 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम पर ही भून लेना है। अब इसमें डाल दीजिए 1 कप भीगा हुआ साबूदाना। एक बार जरूर आप मेरे तरीके से साबूदाना भिगा कर देखिए, आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आएगी। अब इसमें ग्राइंड की हुई दरदरी मूंगफली डाल दीजिए, साथ ही डाल दीजिए स्वाद अनुसार सेंधा नमक या फिर नॉर्मल नमक। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फ्लेम को लो ही रहने दीजिए। ध्यान रहे इस समय हमें फ्लेम लो रखना है। सभी इंग्रेडिएंट को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाए ऊपर से ढक दीजिए। ढकने के बाद में फ्लेम लो ही रहने देना है और हर 1 से 2 मिनट में ओपन करके चलाते रहना है। इससे साबूदाना खिचड़ी बहुत ही मॉइस्ट और टेस्टी बनती है, साथ ही जलती भी नहीं है। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं इसे मैंने ओपन किया
और अब इसे फिर से चला देंगे। अगर आपको लग रहा है इसमें ऑयल या घी कम है तो आप गरम करके मिला सकते हैं, पर 3 से 4 चम्मच ऑयल या घी इतने साबूदाना खिचड़ी के लिए एकदम परफेक्ट है। ये ऑयली भी नहीं बनेगी और ड्राई भी नहीं बनेगी। आलू कुक हो जाने के बाद लो फ्लेम पे साबूदाना को कुक होने में लगभग 7 से 10 मिनट लगते हैं। देखिए साबूदाना कुक हो गया है, लास्ट में इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए। साथ ही आप चाहे तो इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर मेरी तरह इसमें आधा नींबू का रस डाल दीजिए। अगर इस तरह से किसी भी ड्राई रेसिपी में आप नींबू का रस डाल रहे हैं तो फ्लेम बंद कीजिए, उसके बाद ही नींबू का रस डालिए, इससे टेस्ट और बढ़ जाता है। ये देखिए साबूदाना कितना खिला खिला दिखाई दे रहा है। आप सोच रहे होंगे कैसे पता चलेगा ये कुक हुआ है या नहीं। साबूदाने का कलर चेंज हो जाता है, ये थोड़ा सा ट्रांसलूशन दिखाई देने लगता है, इसका मतलब है कि साबूदाना कुक हो गया है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है लाइक कीजिए, और अगर नहीं पसंद आई है डिसलाइक कर सकते हैं। ये देखिए दिख रहा है ना, एक एक दाना पका हुआ, साथ ही एकदम अलग अलग। आप एक बार मेरी सभी ट्रिक्स को फॉलो करते हुए इस खिचड़ी को जरूर बनाएं। मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर नहीं डाला है, पर अगर आप साबूदाना खिचड़ी में ये दोनों भी पसंद करते हैं तो फ्राई करते समय डाल सकते हैं। है ना बिल्कुल दानेदार मोतियों की तरह हरियाली साबूदाना खिचड़ी, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। इस साबूदाने वड़े को बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, पर अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो आपका साबूदाना वड़ा कभी भी तेल में टूटेगा नहीं। ये है क्रिस्पी साबूदाना वड़ा के इंग्रेडिएंट। मैंने यहाँ पे 1 कप भीगा हुआ साबूदाना लिया है। इसके लिए 1/2 कप भुनी हुई मूंगफली का छिलका निकाल के ग्राइंड कर लेना है। मूंगफली ग्राइंड होके तैयार है। अब इसी ग्राइंडर में 6 से 7 हरी मिर्च डालिए और थोड़ा सा हरा धनिया धोकर डाल दीजिए। अगर आपको हरी मिर्च कम डालनी है तो कम डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालिए और महीन ग्राइंड कर लीजिए। अगर आपके घर में हरी मिर्च कम खाते हैं या फिर बच्चों के लिए बना रहे हैं, हरी मिर्च अवॉइड कर सकते हैं। ग्राइंड की हुई धनिया और हरी मिर्च को साइड में रखिए। भुनी हुई ग्राइंड मूंगफली को भीगे हुए साबूदाने में डालिए। अब इसमें ही डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा जीरा, खड़ा जीरा भी ले सकते हैं और ग्राइंड किया हुआ जीरा भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। अब इसमें ही 1/2 नींबू का रस डाल दीजिए। नींबू के रस से ये तो क्रिस्पी बनने ही वाले हैं, साथ ही टेस्टी भी बनेंगे। 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू को छील लीजिए और हाथों की सहायता से इस तरह से मैश करके डालिए। इसे हमें ग्रेट नहीं करना है, हाथों की सहायता से ही मैश करना है, इस बात का ध्यान रखें। इससे एक तो तलते समय तेल कम लगेगा और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब इसमें डाल दीजिए ग्राइंड की हुई हरी मिर्च और धनिया, ये भी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं और मिक्स कर लीजिए। इसे हम व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है, पर अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं या फिर काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए। ध्यान रहे हमें दबा दबा के बॉल्स बनाने हैं, एकदम लूज नहीं बनाने हैं, ढीले नहीं बनाने हैं, इस तरह से बनाने हैं। इस तरह से टाइट बॉल बनाने से ऑयल कम सोक करते हैं और अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी बनते हैं। और अगर आप चाहें तो पानी में उंगली को भिगा के इस तरह से होल कर लीजिए, इससे ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं और अंदर के साइड की जो लेयर है बहुत ही क्रिस्पी हो जाती है। इस तरह से दबाते हुए सभी साबूदाने वड़े बनाकर रख लीजिए और उसके बाद ऑयल को गर्म होने के लिए रख दीजिए। ऑयल जब गर्म हो जाए फ्लेम को मीडियम कर देना है। मीडियम फ्लेम पे ही हमें साबूदाना वड़े को तलना है। ध्यान रहे लो फ्लेम पे हमें साबूदाना वड़ा तेल में नहीं डालना है। अगर आप इसे लो फ्लेम में डाल देंगे तो ये तेल भी बहुत सोखेंगे और क्रिस्पी भी नहीं हो पाएंगे।
साबूदाना वड़ा फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में मीडियम फ्लेम पर हो जाता है। जितने तेल में आसानी से आ जाए उतने ही डालिए और दोनों तरफ से पलट पलट के क्रिस्पी होने तक तल लेना है। ये देखिए कितने बढ़िया और क्रिस्पी दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से हरी मिर्च और धनिया ग्राइंड करके एक बार साबूदाना वड़ा जरूर बनाएं। इससे बाइंडिंग भी बहुत अच्छी आ जाती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। वाओ, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है। इसी तरह तलते जाइए, गर्मा गर्म सर्व कीजिए चटनी के साथ या फिर चाय के साथ। बिना तले हुए साबूदाना वड़ा को आप 5 से 6 दिन तक फ्रिज में एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही दिखाया ये कितने क्रिस्पी बने हैं। वाओ, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। आप इस स्मार्ट तरीके से साबूदाना वड़ा कब बना रहे हैं मुझे जरूर बताइए। इसी तरह की और भी स्मार्ट रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कौन कौन सी रेसिपीज आप लोग देखना चाहते हैं मुझे जरूर बताइए। ये जो स्क्रीन पर आपको 2 रेसिपीज दिखाई दे रही हैं, इनमें से जो भी आपको पसंद है क्लिक कीजिए, मैं वहाँ आपका वेट कर रही हूँ।